नमस्कार, मैं कैलाश पंडित एक बार फिर आप लोगों के समक्ष सूरदास जी के भ्रमर गीत प्रसंग से एक पद की व्याख्या लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसके पहले तक मैंने सूरदास जी के आपके पाठ्य पुस्तक से 5 पदों की व्याख्या की, अब यह छठा पद है जिसका मैं चर्चा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आज हम सूरदास जी के भ्रमर गीत के पद संख्या 6 के बारे में चर्चा करेंगे। आगे हम सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातें करेंगे। पद क्या हैं, शब्दार्थ कठिन शब्दों के संदर्भ, पद के प्रसंग, पद की व्याख्या एवं इस पद में आए साहित्यिक टिप्पणियाँ और विशेषताएँ क्या है, इसके बारे में हम बातें करेंगे। पिछले पद में हमने देखा था कि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम मोह पर मुस्कुरा रहे थे और उस मुस्कुराहट में व्यंग का समावेश था, क्योंकि उद्धव ज्ञान मार्गी निर्गुण पंथी हैं। प्रेम का एक छींटा भी उनके हृदय पर नहीं पड़ा है। श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज भेजने के पहले का ही यह सभी प्रसंग है। उद्धव अभी ब्रज गए नहीं हैं। ब्रज के प्रेम एवं लगाव के कारण कृष्ण की स्मृति और गाढ़ी गहरी होती जा रही है। कृष्ण इस स्मृति से उत्पन्न मना स्थिति का चर्चा उद्धव से करते हैं एवं प्रेम का पूर्ण रूपेण स्थापना उद्धव के मन में करना चाहते हैं। यहाँ सूरदास जी की कृष्ण एवं उद्धव के बीच संवाद स्थापित कराया है। पहले श्री कृष्ण अपने मानसिक पीड़ा का चर्चा करते हैं। पद के उत्तर में उद्धव इस कष्ट का निदान प्रदान करते हुए ईश्वर एक है एवं संसार प्रेम जगत मिथ्या है का उपदेश श्री कृष्ण को देते हैं। प्रेम का अल्प प्रभाव भी उद्धव जी पर नहीं पड़ता है और उद्धव जी पूर्णतः श्री कृष्ण के प्रेम वाले बातों को खंडन करते हैं। अब पद इस प्रकार हैं। पद राग सारंग में है। मैं पद को आपके सामने पढ़ता हूं। सखा सुनो मेरी एक बात, वह लता गण
संग गोपिन सुधि करत पछतात। कहा वह वृषभानु तनया परम सुंदर गात। सुरतियाए रास रस की अधिक जिय अकुलात। सदा हित यह रहत नाही शकल मिथ्या जात। सूर प्रभु यह सुनो मोशो एक ही सोनात। अब इस पद में आए कठिन शब्दों के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। लतागण लताओं के समूह, लताएं, संग साथ, सुधि याद, वृषभानु राधा के पिता, तनिया पुत्री बेटी, गात शरीर, सुरति स्मरण, रास रस आनंद विहार क्रीड़ा केली, जिय मन दिल, अकुलात व्याकुलता, हित के लिए, शकल संपूर्ण, जात जनित, उत्पन्न, मोशो मुझसे, नात संबंध। अब इस पद के संदर्भ में सूरदास जी, जो इस पद का संदर्भ है सूरदास जी के द्वारा लिखा गया, उसको हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद सूरसागर के भ्रमर गीत से ली गई है। यह सूरदास के द्वारा रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में भी यह पद संकलित है। अब देखते हैं कि इस पद के प्रसंग क्या है। प्रसंग है, इस पद में उद्धव जी ने श्री कृष्ण द्वारा कथित ब्रजवासियों की प्रेम महिमा का खंडन किया है और यह स्पष्ट रूपेण घोषित किया है कि पर ब्रह्म ही सच्चा संबंधी होता है, अन्य सभी चीजें ब्रह्म से उत्पन्न है। उद्धव जी श्री कृष्ण के स्मृति की बातें सुनने के बाद भी अपने ज्ञान दर्शन और योग की बातों को स्थापित करते हैं और कहते हैं कि जो संसार है मिथ्या है, जगत झूठा है, सिर्फ एक ब्रह्म एक ईश्वर है, वह ही सच्चा है। आप इस सगे संबंधियों के मोह में पड़े हैं, यह बिल्कुल निराधार है। अब इस पद की व्याख्या इस प्रकार हम देखते हैं। सखा सुनो मेरी एक बात, सखा मित्र, यह सखा उद्धव जी के लिए आया है। सखा से संबोधन उद्धव जी का हुआ है। श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि मित्र सुनो मेरी एक बात, मेरी एक बात सुनो।
और वह बात क्या है? श्री कृष्ण एक बार फिर इस पद में ब्रजवासियों के प्रेम के कारण उत्पन्न मन स्थिति, मानसिक स्थिति, पीड़ा, वियोग, विह्वलता का वर्णन करते हैं। और उद्धव जी से एक बात सुनने को कहते हैं, और यह एक बात आम बात नहीं है, यह श्री कृष्ण के लिए महत्वपूर्ण है, एक विशेष बात है। ये आम बोलचाल की बातें नहीं है, एक आम संवाद की बातें नहीं है, एक विशेष बात है। श्री कृष्ण सुनो एक बात, वह बात जिस बात में एक विशेषता है, और श्री कृष्ण अपने मन से कहना चाह रहे हैं, वह लतागन संग गोपिन सुधि करत पछतात। कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा में मैं विकल हूं, मैं यादों में और यादों के कारण मेरा मन जो है यहाँ नहीं लग रहा है, तो उसका कारण क्या है? वह लतागण, जो ब्रज में लताओं का समूह में संग गोपी गोपियों के साथ में, ब्रज के कुंजों में जो लतागण हैं उनमें गोपियों के साथ जो मैंने क्रीड़ा किया, लीला किया, और जो मैंने उनके साथ वहाँ पल बिताए, सुधी करत पछता, उन सारी बातों को याद कर, उन सारी बातों की स्मृति से मेरा दिल, मेरा मन पछताता है, पश्चाताप करता है। जैसे ही उन सारे प्रसंगों का, क्रीड़ाओं का, उन गोपियों और राधा के साथ खेले गए खेल में जो आनंद आया उस ब्रज में, उसकी याद कर हम पश्चाताप करते हैं। कहाँ वह वृष भानु तनिया परम सुंदर गात, उन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम वृष भानु तनिया राधा जी, वृष भानु राधा जी के पिता को कहा गया है, तो राधा जी के पिता तनिया, उनकी बेटी मतलब राधा जी के परम सुंदर गात शरीर को यहां कहां पाएंगे। उस राधा जी के शरीर में जो चारुता थी वह इस मथुरा में हम कैसे देख पाएंगे, हम कैसे उस सुंदर शरीर को ढूंढ पाएंगे? वह तो सिर्फ ब्रज में विराजमान होती है, ब्रज में उपस्थित होती है, ब्रज में स्थित है। सूरतियाए रास रस की अधिक जिय अकुलात, सुरति आए, सुरति यहाँ स्मरण है, सुरति का मतलब स्मरण है, स्मरण आए, जब स्मरण आता है दिल में मन में उस रास रस की, रास रस आनंद विहार क्रीड़ा केली, रास एक प्रकार का नृत्य है जो ब्रज
क्षेत्र में किया जाता है और ब्रज भूमि का यह लोक नृत्य भी है रास। तो उस लोक नृत्य का रस, आनंद, प्रेम की स्मृति जब दिल में आती है, तब मेरा दिल और अत्यधिक व्याकुल हो जाता है, घबरा उठता है, घबरा जाता है। वह रास मंडल की याद आती है और उस रास मंडल में गोपियां, राधा एवं सखा मित्र ग्वाल सब सम्मिलित होता था। उस समय की आनंदपूर्ण वेला की याद कर श्री कृष्ण भाव विह्वल हो रहे हैं और मन में उठ रहे असहाय पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे हैं। आगे है, सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात। इस पंक्ति तक श्री कृष्ण अपने मन की व्यथा उद्धव जी से सुना रहे हैं और उन पर प्रेम का प्रभाव स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। परंतु अब उद्धव जी इनके विचारों को सुनने के बाद अपना विचार प्रकट करते हैं और वह विचार उस ज्ञान और दर्शन से ओतप्रोत है। हम देखते हैं आगे की जो पंक्तियां हैं वो उद्धव जी के माध्यम से सूरदास जी कहलवा रहे हैं। सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात। अब उद्धव जी इस पंक्ति में श्री कृष्ण को कहते हैं और अपने ज्ञान और दर्शन से ओतप्रोत इनका यह वक्तव्य श्री कृष्ण के सामने प्रदर्शित होता है। ये कहते हैं कि सदा हमेशा निरंतर हित के लिए यह नहीं रहता है। यह मतलब आपकी जो प्रेम भावना है, आपका जो सगे संबंधियों से संबंध स्थापित करने का भाव है, वह हमेशा के लिए नहीं रहता है और नहीं रहेगा। सकल मिथ्या जात, ये संपूर्ण मिथ्या से जनित है जो इस संसार में लौकिक संबंध है। यह लौकिक संसार जो है, संसार ही मिथ्या है, जगत ही मिथ्या है, झूठा है। और सारा इस संसार में जो चीजें हैं वो मिथ्या जात, मिथ्या से जनित, मिथ्या से उत्पन्न लगता है और झूठी भावनाओं से उत्पन्न लगता है। आपका जो यह प्रेम भक्ति की जो विचार है वह सदा हमेशा के लिए नहीं रह सकता, यह निरंतर नहीं चल सकता है। आप बस इतना मानिए कि यह जो संसार है वह संसार झूठा है, मिथ्या है, इसका कोई अवस्था नहीं है। आगे है, सूर प्रभु यह सुनो मोशो एक ही सोनात। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु मुझसे जान लो एक ही ब्रह्म है, बाकी यह जगत मिथ्या है। एक ब्रह्म से नाथ
संबंध रखो, एक भ्रम से प्रेम करो। मतलब प्रभु मुझसे सुनो, हे भगवान मुझसे सुनिए, इस संसार में कोई नहीं है, सिर्फ पर ब्रह्म है, एक ब्रह्म है, एक ईश्वर है, उनसे ही आप नाता रखिए, उनसे ही संबंध रखिए। और इस संसार में जो भी उठने वाले भावनाएं हैं, जो भी उत्पन्न होने वाले लौकिक अवस्थाएं हैं, उनसे आप कोई नाता ना रखें, उनसे आपका कोई लगाव ना हो, ऐसा मनस्थिति, ऐसा मानसिक स्थिति आप पैदा कर लें। क्योंकि सिर्फ एक ही ईश्वर, एक ही ब्रह्म है, और उस ब्रह्म के सामने दूसरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब छीन है, सब शून्य है। यह इस पद की व्याख्या थी, आप लोगों ने देखा। अब इस पद में भी उद्धव जी अपने ज्ञान की बातें करते हैं और अपनी योग और दर्शन के बातों के द्वारा श्री कृष्ण को निर्गुण पंथ के ओर अग्रसर करने की चेष्टा करते हैं। परंतु इसी पद में श्री कृष्ण भी अपने मानसिक स्थिति, अपनी वियोग विह्वलता के कारण उत्पन्न उस परिस्थिति को भी रखते हैं, जिससे उद्धव जी उस निर्गुण पंथ को छोड़कर सगुण पंथ की ओर आने का कोशिश करें। सूरदास जी निर्गुण भक्ति के ऊपर सगुण भक्ति को पूर्णता स्थापित करने के लिए ही भ्रमर गीत प्रसंग की अवधारणा अपने सूर सागर कृति में रखी थी। अब हम साहित्यिक विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। साहित्यिक विशेषताएं इस पद की है कि यह पद ब्रज भाषा एवं राग सारंग में रचित है। ऐसे तो भ्रमर गीत प्रसंग के सारे पद ब्रज भाषा में रचा गया है। सूरदास जी के दूसरा है संचारी भाव, चिंता विषाद स्मृति का प्रयोग। इसके पहले भी कुछ पदों में सूरदास ने इस भाव का, संचारी भाव का समावेश किया था, जिसमें श्री कृष्ण की स्मृति और यादों को प्रदर्शित किया गया था। तीसरा है श्री कृष्ण के वियोग विह्वल का सच्चा और मार्मिक चित्र अंकित हुआ है। इस पद में भी पहले आए अन्य कुछ पदों के भांति श्री कृष्ण अपने दुख और पीड़ा के माध्यम से उद्धव जी को भक्ति के पाठ पढ़ाना चाहते हैं,
एवं गोपियों के संग गोपियों के पास भेजकर अपने सुख समाचार भिजवाना चाहते हैं और गोपियों के समाचार को पाना चाहते हैं, साथ ही उद्धव जी के ज्ञान एवं दर्शन और योग के घमंड को गोपियों के प्रेम के माध्यम से चूर करना चाहते हैं। आगे है चौथा, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन की बात है। इस पद में अद्वैत ब्रह्म एक है, भगवान एक है, ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद की बात हुई है, अद्वैतवाद की बात। जगत मिथ्या है, जगत झूठा है, जगत का कोई औचित्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, सिर्फ भगवान और सिर्फ ईश्वर ब्रह्म एक है, ऐसी अवधारणा इस पद में प्रस्तुत की गई है। धन्यवाद।